हेलो स्टूडेंट्स, वी आर सीइंग क्लास 8 साइंस. ओके, चैप्टर नंबर 9. व्हाट इज इट? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स वॉट? प्रोड्यूसिंग यंग वन ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वी हैव स्टडीड टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, वी हैव स्टडीड दैट वेयर वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स गमेट्स. देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स गमेट्स और सेक्स सेल्स, देन इट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इफ देर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, मीन्स देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल टू पेरेंट्स, देन इट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस वी हैव डिस्कस्ड. ओके, आफ्टरवर्ड्स वी हैव डिस्कस्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल. What is it? Sexual reproduction means what? The reproduction in which two parents are involved is called as sexual reproduction. These two parents are male and female, and in these two sex gametes or sex cells fuse together to produce a new life. Okay, those sex gametes जो है, male और female sex gametes, ये क्या होते हैं? Combine होते हैं, और उनके combination से क्या बनती है? New life produce होती है. इसे हम बोलते हैं sexual reproductive system. इसके लिए आपको क्या चाहिए? You need मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए दो पेरेंट्स की क्या होती है? ज़रूरत होती है. ठीक है, इसके बाद में वी हैव स्टडीड दैट ये जो दो सेक्स गमिट्स है, इसमें से जो मेल गमिट है, मेल गमिट, इट इज कॉल्ड एज स्पर्म. मेल गमिट इज कॉल्ड एज स्पर्म. स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड फीमेल गमिट is called as egg. Female gamete is called as egg. It is present in what? Female. It is produced in female reproductive system. Okay. इसके बाद में we have studied the diagrams of female and male reproductive system. देखो diagram देख लेते हैं हम. Okay. This is the diagram of male reproductive system. What is it? Male reproductive system. This is your urinary bladder. This is sperm duct. This part is called as penis, and these two oval shaped glands, they are called as what? They are called as testes. Sperms are produced in these parts, testes. Okay, this part ko hum scrotum bolte hai, baki ke parts hamare point of view se itne important nahi hai filhal. Okay, so this is our male reproductive system. Now let us move to female reproductive system. Female reproductive system, this part is called as uterus. These two oval-shaped ovaries are present, and ovaries are attached with this tube-like structure. This tube is called as oviduct. This tube is called as oviduct. It is also called as fallopian tube. Okay? These are parts of female reproductive system. Okay? Now, let us move to the third diagram. It is a sperm. Jo male gamete hai, uska structure kaise hota hai? Aise hota hai sperm. This is head of the sperm. This is middle piece and it has a tail like structure also. Okay, जो cell होता है, cell के जो parts present होते हैं, cell body है, nucleus है, वो सारा का सारा head वाले part में क्या होते हैं? Present होते हैं. इसको pointed end है head को, और जो tail वाली part है, ये जैसे एक तरह का hair like structure present होता है, जो motile है, जो मुंह होता है, और जिसके वजह से ये sperm क्या करता है? Movement perform करता है. ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन
स्पर्म। ठीक है, ये तीनों डायग्राम्स मुझे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन स्पर्म एंड द लास्ट वन इज ओवम। सी दिस इज ओवम। ओवम मीन्स इट इज कॉल्ड एज एग सेल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, ओवरी में प्रोड्यूस होता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ओवम और एग सेल। सेल लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन ओवम। ठीक है, फीमेल सेक्स गमिट ये है। ये चारों डायग्राम्स मुझे क्या चाहिए, नोटबुक के अंदर चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हमने इतना पार्ट इसके पहले के वीडियो में देखा है, अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। व्हाट वाज इट, व्हाट इज इट, इट इज फर्टिलाइजेशन। सी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन रिप्रोडक्शन। इट इज वॉट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स वॉट, वेन जो हमारे पास दो सेक्स गमिट से स्पर्म और एग है ना, ये स्पर्म जिसका शेप ऐसे होता है और एग, ओके, वेन दीज टू कंबाइंस टूगेदर और फ्यूज टूगेदर द कॉम्बिनेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन। When sperm and egg combine together, there is a formation of what? A single cell is produced. Okay? When sperm is a single cell, egg is a single cell, when they combine together, again a single cell is produced. This single cell is called as zygote. Is cell ko kya bola jata hai? Zygote bola jata hai. Okay? And the process of production of zygote is called as fertilization. Fertilization means what? The process of fusion of sperm and egg and formation of zygote is called fertilization. The process of formation of zygote by the fusion of sperm and egg, sperm ke aur egg ke fusion se jo process hoti hai, kaun si, zygote formation ke process, ise hum bolte hai fertilization. Ise hum bolte hai fertilization. Agar human body consider kare apan, in humans the process of fertilization takes place in female body. ये process of fertilization कहाँ पे होती है? Female body के अंदर होती है. कौन सी? Sperm और egg का fusion कहाँ पे होता है? Female body के अंदर होता है. In human का मतलब क्या है? बाकी animals में ऐसा नहीं होता है क्या? तो yes, right. इन सम एनिमल्स ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बॉडी के बाहर भी होती है. दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ कि कौन कौन से वे में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. ठीक है, चलो सबसे पहले हम जाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हाट, वी हैव स्टडीड फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग. The fusion of sperm and egg is called as fertilization, and from the combination of sperm and egg, what is formed? Zygote is formed. Okay? ये जो fertilization की process है, इसका location के हिसाब से it is divided into two types. Okay? The first type of fertilization is called as internal fertilization. And the another process is called as external fertilization. Okay, internal fertilization and external fertilization, these are two types of fertilization. If the process of fertilization takes place, if the process of fertilization takes place inside female body, kya likh rahi hu main, takes place
इनसाइड फीमेल बॉडी, अगर ये प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है, इफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड फीमेल बॉडी देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. देखो डेफिनेशन क्या है, इफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड इफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस आउट ऑफ फीमेल बॉडी, इफ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउट ऑफ फीमेल बॉडी, और यू कैन से दैट इन द सराउंडिंग, इफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सराउंडिंग, स्पेशली ये वाटर के अंदर होता है, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस टेक्स प्लेस आउट ऑफ फीमेल बॉडी. ओके, जो मैमल्स है, जिसे हम बोलते हैं, जो एनिमल्स कौन से, जो बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, या बर्ड्स भी एग्स जो देते हैं, बर्ड्स एग्स देते हैं ना, बराबर है ना. मैमल्स और बर्ड्स में एक मेन डिफरेंस ये है कि दोनों क्या करते हैं, मैमल्स बेबी को बर्थ देते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स एग्स देते हैं. ठीक है, तो ये दोनों जो है, बर्ड्स और एनिमल्स, इनके अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सॉरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है एनिमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एम्फीबियंस जो होते हैं, जो वाटर के अंदर ये करते हैं, सर्वाइव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्स, हमें फ्रॉग्स हमें पता है ना, फ्रॉग्स अंडे देने के लिए पानी के अंदर जाता है, अगर वाटर नहीं होगा तो इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है. तो ये क्या करता है, फ्रॉग का इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. फ्रॉग्स का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके, इनकी प्रोसेस जो है, देखो मतलब इसमें जो मेल एंड फीमेल है, मेल जो पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म रिलीज करते हैं वाटर के अंदर, और फीमेल पार्ट जो है वो एग्स रिलीज करते हैं वाटर के अंदर. और वाटर में इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है स्पर्म और एग का, और उनकी वजह से जायगोट फॉर्म होता है वाटर के अंदर. द प्रोसेस डू नॉट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस का. सी, ये जो प्रोसेस है, दिस इज योर ओवा, ओवम, बराबर है. ये ओवम के जो होता है उसके ऊपर हार्ड कवरिंग होता है, सेल वॉल है जो बहुत हार्ड मटेरियल से बनी है. जैसे आपने एक देखा है ना, तो एक के ऊपर कैसे हार्ड कवरिंग होता है, दैट इन द सेम मैनर ए हार्ड कवरिंग इज प्रेजेंट ऑन एग सेल ऑफ ह्यूमंस अल्सो, एंड दीज आर स्पर्म्स. व्हेन एट अ टाइम मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन. ओके, उनमें से जो स्पर्म सबसे पहले रीच करता है एग सेल तक के, वो क्या करता है, उसको जो पॉइंटेड हेड होता है उसको ब्रेक करके, उससे ये आउटर सर्फेस को ब्रेक करता है और वो अंदर एंटर होता है. सिर्फ उसका हेड वाला पार्ट जो है वो क्या होता है, सेल के ओवम के अंदर एंटर होता है. ये एक पार्ट इसके ओवम के साथ में कंबाइन होके फिर क्या बनाता है, जायगोट प्रोड्यूस करता है. ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम और स्पर्म एंड एग सेल. द प्रोसेस इज शोन हियर, इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये है आपका स्पर्म में का न्यूक्लियस, ये है एग में का न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं और प्रोड्यूस होता है एक जायगोट. ये जो सेल दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज जायगोट. ओके, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और जायगोट में शो इसलिए कर रही हूँ कि बोथ दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन टू योर नोटबुक. ठीक है, इसके बाद में फ्रॉग्स देखो, जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स के बॉडी में एट अ टाइम एक ही एग रिलीज किया जाता है, वैसे फ्रॉग्स का नहीं होता है. ये एग्स है फ्रॉग्स के, ये जो है इनके ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे फीमेल जो एग दिखा था ह्यूमन बींग्स का, इसके ऊपर हार्ड कवरिंग था. यहाँ पे देखो ये एग्स अगर आप देखोगे ना, इनके ऊपर कोई हार्ड लेयर नहीं है, कोई हार्ड लेयर जो है इसके ऊपर, मतलब हार्ड कवरिंग इसके ऊपर नहीं होता है. ये जो है ये एक एग एट अ टाइम नहीं देती है,
फ्रॉग्स क्या करते हैं, एट अ टाइम हंड्रेड्स ऑफ एग्स ये देते हैं, और ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स क्लस्टर की तरह, ग्रुप की तरह क्या होते हैं, एक दूसरे को अटैच होके चिपक के ये क्या होते हैं, वाटर के अंदर फ्लोट होते हैं। और जो मेल फ्रॉग है वो जो स्पर्म्स रिलीज करेगा वाटर में, वो भी वो क्या होते हैं, हर एक स्पर्म ये अलग अलग एग्स के साथ में क्या होता है, कंबाइन होता है, और एट अ टाइम हंड्रेड्स ऑफ बेबीज फ्रॉग्स के क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। सम एनिमल्स परफॉर्म व्हाट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सम एनिमल्स परफॉर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में नाम सुना है आपने, तो इसमें क्या किया जाता है, ये जो प्रोसेस है ना फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ये प्रोसेस लैब में की जाती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी बोल सकते हैं हम उसको, तो वो एक्चुअल में टेस्ट ट्यूब में ऐसे एक स्पर्म लो, एक ये करो, ऐड करो, इतना आसान नहीं होता है वो, लेकिन ये जो प्रोसेस की जाती है, कौन सी प्रोसेस की जाती है टेस्ट ट्यूब बेबीज के केस में, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एक मतलब लेबोरेटरी में की जाती है, उसके बाद में जो जायगोट प्रोड्यूस होता है, जायगोट लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस मतलब कोई मटेरियल दूसरा यूज करके नहीं है, इसके लिए एक्चुअल में एग और सेल आपको चाहिए, उसके बाद में ये जो प्रोसेस की जाती है जायगोट एक्सटर्नल प्रोड्यूस किया जाता है, द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, एंड आफ्टर दैट जो जायगोट बनता है उसको कुछ अमाउंट तक के, उसका जायगोट फॉर्म होने के बाद में उसकी डेवलपमेंट कहाँ पे की जाती है, इन मदर्स यूटेरस, बाद में इसको मदर के यूटेरस में प्लांट किया जाता है, एंड आफ्टर दैट द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर बेबी टेक्स प्लेस इनसाइड द ग्रोथ ऑफ मदर्स वॉम्ब। ठीक है, मतलब और उसके बाद में वो क्या होती है, जैसे रेगुलर बाकी के बच्चे पैदा होते हैं उसी मेथड से ये भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि इनकी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये कहाँ पे की जाती है, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, सो दिस इज IVF टेक्नोलॉजी। तो हमने फर्टिलाइजेशन के तीन मेथड्स देखे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो नेचुरल केसेस है, और जो आर्टिफिशियल केस हमने देखी वो कौन सी थी, IVF, कौन सी, IVF। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अभी इम्पोर्टेंट पार्ट पे हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इसके बाद की, ये भी इम्पोर्टेंट था, नहीं तो बोलोगे मैम अभी इम्पोर्टेंट स्टार्ट हुआ क्या। सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अभी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के केस में देखो, सबसे पहले ये स्पर्म सेल और ये एग सेल, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है एक जायगोट, क्या बना, जायगोट। ओके, अभी ये जो जायगोट है इसकी ग्रोथ होती रहती, कंटिन्यूअस ग्रो होगा, ये एक सेल जो है इससे दो सेल्स बनेंगी। ओके, सेल डिवीजन के मेथड से एक सेल से दो सेल्स बने, दो सेल से दो का, दोनों का डिवीजन होगा, फिर से दो से बनेंगी चार सेल्स, चार से बनेंगी आठ सेल्स, आठ से बनेंगी 16 सेल्स, हर किसी का डिवीजन होगा ना, 16 से बनेंगी 32 सेल्स। तो ये सेल्स क्या होती है, ये डेवलप 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 होके कंटिन्यूअसली इनको, इनकी डेवलपमेंट होने के बाद में हमें क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलता है। आफ्टर सम टाइम वी गेट ए ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको क्या होता है, जिसको ह्यूमन बीइंग के बॉडी जैसे क्या होते हैं, मतलब जो बॉडी पार्ट्स बॉडी में होते हैं अपने ह्यूमन बीइंग्स के, तो सबसे पहले वो बनने से पहले क्या बनेगा, एक ग्रुप ऑफ सेल बनता है, फिर इससे अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनेंगे, है ना, और इससे बॉडी के बाकी के पार्ट जो है वो डेवलप होना क्या होगा, धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो ये जो पार्ट डेवलप होता है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स फ्रॉम विच द ग्रोथ ऑफ बेबी स्टार्ट, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। इस ग्रुप को बोला जाता है एम्ब्रियो, क्या बोला जाता है इसको, एम्ब्रियो बोला जाता है। फिर एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, एम्ब्रियो के अलग अलग पार्ट्स जो है वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, और इससे सबसे पहला वाला जो शेप बनता है, जो थोड़ा बहुत बेबी के जैसा दिखता है, ठीक है, पूरे पार्ट्स उसके डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन आप उसके पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सर है, इससे हाथ बनने वाले हैं, यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पे हार्ट प्रोड्यूस, हार्ट प्रेजेंट होगा, तो ये सारे पार्ट्स आइडेंटिफाई
मॉडिफाई करने लायक जो स्ट्रक्चर बनता है बेबी का उसे बोला जाता है फीटस. इट इज कॉल्ड एज वॉट? फीटस. और फीटस की फिर धीरे धीरे क्या होती है, बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है एंड जब ये फीटस बिकम्स मैच्योर इट कम ऑफ दी कम आउट ऑफ दी मदर्स वॉम. ठीक है, और फिर हम बोलते हैं कि बेबी का बर्थ हो गया. ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है ये है डेवलपमेंट ऑफ क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस. पहली जो प्रोसेस थी वो कौन सी थी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस थी. अभी ये डायग्राम देखो आप, हम इसके जरिए हम एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहली चीज जो है डेवलपमेंट, एग रिलीज हुआ यहाँ से. ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है, एग प्रोड्यूस होता है. एग प्रोड्यूस होने के बाद में जब वो एग जो है मैच्योर होने के बाद में वो क्या करता है, रिलीज होता है. फॉलोपियन ट्यूब के ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये उसको क्या करते हैं, कैच करते हैं और वो ऐड किया जाता है फॉलोपियन ट्यूब के अंदर. ठीक है, यहाँ पे आपका एक प्रोड्यूस था. फिर जो है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में से स्पर्म एंटर हुआ. स्पर्म एंटर होने के बाद में यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब में प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की और यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ आपका जायगोट. ठीक है, अभी ये एक जायगोट है, धीरे धीरे इसकी डेवलपमेंट होगी, वो आगे आगे बढ़ते जाएगा. इसका सेल डिवीजन हुआ, दो जायगोट बने, सॉरी दो के चार बने, चार के आठ बने, आठ के 16 बने, 16 के 32 बने, 32 के 64 बने. ऐसे डेवलपमेंट होते होते आपको क्या मिला, एक क्लस्टर ऑफ सेल मिला जिसको आप बोलते हो एम्ब्रियो. इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो आप, एम्ब्रियो. जैसे जैसे सेल की डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे वो जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आगे 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 बढ़ते जाता है और फाइनली ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो क्या होता है, ये जो वॉल होती है ना यूटेरस की, पूरी नहीं दिखाई है, ये जो यूटेरस की वॉल होती है वो वहां पे कहीं तो भी ये क्या होता है, एम्बेडेड एम्ब्रियो. मतलब ये एक पर्टिकुलर जगह पे अभी ट्रांसप्लांट हो जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे ये क्या लेगा, प्लेस लेगा. एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद में बाकी की जो ग्रोथ होती है वो उसकी कहाँ पे होती है, यूटेरस के अंदर होती है. ठीक है, बाकी की ग्रोथ जो है एम्ब्रियो की वो कहाँ पे होती है, यूटेरस के अंदर होती है. ठीक है, अभी देखो दूसरे डायग्राम में यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, देखो ये है वॉल ऑफ यूटेरस. हाँ, ये क्या है, यूटेरस की वॉल है और उसके ऊपर देखो कुछ पार्ट इसका जो है ये वॉल के अंदर जो है एंटर हुआ. जैसे जर्मिनेट होती है सीड, उसी तरह से ये क्या हो गया यहाँ पे, मतलब उससे थोड़ा सा पार्ट बाहर निकल के सॉइल में कैसे एंटर होता है, वैसे कुछ पार्ट यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कुछ पार्ट इसका वॉल के अंदर एंटर हुआ सपोर्ट के लिए और बाकी की पार्ट जो है उसकी ग्रोथ कहाँ पे होगी, ये ग्रोथ यहाँ पे यूटेरस के अंदर स्टार्ट हो गई. ठीक है, सो दिस इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ये जो प्रोसेस है पूरी कहाँ पे होती है, मदर्स वॉम के अंदर ये प्रोसेस हो रही है. अभी ये प्रोसेस जैसे जैसी होगी वैसे वैसे बेबी को अलग अलग पार्ट्स जो है उसके डेवलप होना स्टार्ट होंगे, है ना. बेबी के पार्ट्स डेवलप होने के बाद में ये देखो अभी ये यूटेरस है, यूटेरस के अंदर ये बेबी के क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है. इसके अलग अलग स्टेजेस होंगे, अलग अलग कई तरह के इसके क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं. लेकिन अभी ये जो पार्ट है बेबी का, देखो इसमें ये सर दिख रहा है, ये पार्ट हाथ है, ये पैर है, पूरी ग्रोथ नहीं हुई लेकिन आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ह्यूमन बेबी है. तो ये जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कि द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फीटस. इस पार्ट को आप क्या बोलते हो, फीटस बोलते हो. ओके, सो दिस इज द फीटस इन यूटेरस. इसकी पूरी ग्रोथ होने के बाद में 9 months का ड्यूरेशन लेता है ये बेबी को जायगोट से पूरा मैच्योर बेबी बनने के लिए और उसके बाद में जो है ये क्या होता है, मदर्स वोम से इस रास्ते से क्या आता है, ये बाहर आता है. ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग. ओके ओके, इसके बाद में हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. जो नेक्स्ट टॉपिक हमें अभी देखना है वो क्या है, सी नेक्स्ट टॉपिक इज विवीपैरस. विवीपैरस एंड ओवीपैरस एनिमल्स. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विवीपैरस एंड ओवीपैरस एनिमल्स. हमें पता है कुछ एनिमल्स जो है वो बर्थ देते हैं यंग वंस को. ओके, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, है ना. जैसे कि ह्यूमंस, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है
विविपैरस एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, विविपैरस एनिमल्स बोला जाता है। इनके कैटेगरी में आते हैं मैमल्स। मैमल्स मतलब ये दो चीज़ें करते हैं, पहली चीज़ जो विविपैरस एनिमल्स होते हैं वो यंग वंस को जन्म देते, बॉडी के अंदर ही एनिमल की पूरी ग्रोथ होती है, और पूरी ग्रोथ होने के बाद में जब ये मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद में इससे जो बेबी है वो बेबी ह्यूमन बॉडी से क्या निकलता है, बाहर निकलता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एनिमल इज कॉल्ड एज विविपैरस एनिमल्स। विविपैरस एनिमल्स में आते हैं मैमल्स। ये मैमल्स तीन चीज़ों के लिए फेमस हैं, पहला बेबीज को जन्म देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस, दूसरा दे नर्चर द एनिमल्स बाय गिविंग देम मिल्क, दे मिल्क एनिमल्स, दे मिल्क देयर बेबीज, आफ्टरवर्ड्स दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज, दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। ये खासियत है विविपैरस एनिमल्स की, जिसमें टाइगर कैट सब सब आते हैं, ठीक है। ओविपैरस मीन्स वॉट, दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो जाइगोट है, जाइगोट फॉर्म होता है। अभी इसमें दो कैटेगरीज में एक्चुअली हम डिवाइड कर सकते हैं, इसमें बर्ड्स भी विविपैरस में आएंगे, और जो फ्रॉग्स है, लिजर्ड है, स्नेक है, ये भी किस में आएगा, ये भी विविपैरस के अंदर ही आएगा। लेकिन इसमें जो बर्ड्स वगैरह है, बर्ड्स कुछ लेवल तक, मतलब कुछ स्टेजेस, जब तक के बेबीज को उनके पंख नहीं फूटते तब तक के वो क्या करते हैं, बेबीज की केयर करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। और जो बाकी के एनिमल्स है, स्नेक्स है, फ्रॉग्स है, ये तो बेबीज की केयर करते ही नहीं है, सिर्फ अंडे देके चले जाते हैं। जैसे आपने टर्टल का एग्जांपल देखा होगा, टर्टल क्या करता है, अंडे देने के लिए समंदर के सी शोर पे आता है, अंडे देके फिर से वो वापस चला जाता है। बाद में इसके अंडों में से बेबीज निकलने के बाद में वो भी क्या करते हैं, समंदर का रास्ता नापते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें दो कैटेगरीज में आता है। तो बर्ड्स जो है, बर्ड्स ओविपैरस एनिमल्स है, दे ले एग्स, दे ले एग्स, ओके, बर्ड्स भी और स्नेक, फ्रॉग, टर्टल, ये भी। बर्ड्स के जो एग है वो भी हार्ड होता है, उसका आउटर कवरिंग हार्ड होता है, एट अ टाइम दो या तीन एग्स ही बर्ड्स क्या करते हैं, देते हैं, और उनमें से बेबीज बाहर निकलने तक के वो क्या करते हैं, उनकी केयर लेते हैं। स्नेक्स लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स देते हैं, फ्रॉग्स तो एट अ टाइम हंड्रेड्स ऑफ एग्स देता है, ठीक है ना। उनमें से कुछ फर्टिलाइज होते हैं और कुछ नहीं भी होंगे, क्योंकि इतने सारे मतलब फेवरेबल कंडीशन हर एक को मिलेगी, ये कैसे है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज में विविपैरस एंड ओविपैरस एनिमल्स, ये दो कैटेगरी में हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन इन द बॉडी होता है, ओविपैरस बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन इन द बॉडी में होता है, एंड जो झाइगोट है वो डेवलपमेंट के लिए फिर ये क्या करते हैं, अंडे, अंडे के फॉर्म में वो जो है बॉडी के बाहर आता है एनिमल, और फिर वो हैचिंग की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहाँ पे की जाती है, दैट प्रोसेस इज डन आउट ऑफ द बॉडी। बेबी की जो ग्रोथ है वो एग के अंदर होती है, आउट ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है। और जब उसका पीरियड खत्म हो जाएगा मैच्योरिटी का, उसके बाद में वो जो बेबी है वो अंदर से एग को फोड़ के बाहर निकलता है, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन ओविपैरस एनिमल्स, ठीक है, ओके। इसके बाद में हाउ द डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस टू adults takes place in animals. जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स के बारे में अगर हम कंसिडर करें, ह्यूमन बेबी अगर आप कंसिडर करते हो, देखो आप बेबी अगर देखोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर चेंज होता है क्या पैदा होने के बाद में? ह्यूमन बेबी जैसे जैसे मैच्योर होने लगता है उसका स्ट्रक्चर डू नॉट चेंज। जब वो पैदा होता है तभी उसको ब्रेन होता है, तभी उसको हार्ट होता है, तभी उसको लेग्स होते हैं, तभी उसको हेयर्स होते हैं, तभी उसको वर्टिब्रल कॉलम उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, स्कल तभी होता है, आईज तभी, सारे के सारी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ होने के बाद में ही वो क्या होता है, उसका जन्म होता है, ये हमें पता है। हाँ, वो जो है वो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो ज़्यादा मैच्योर होंगे, ये चीज़ें क्या होती है अडल्ट्स में, यंग वन से अडल्ट में जाने के बाद में ये चीज़ें चेंज होती है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर कैसे रहता है, सेम रहता है, लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे भी है, देखो जब पैदा होते हैं तो एग रहते हैं, जो सभी पहले एग रहते हैं, बाद में इनका बॉडी शेप चेंज होता है, जैसे ये मैच्योर होते हैं इनका शेप चेंज होते, फॉर एग्जाम्पल कैटरपिलर का इसने शेप लिया, बॉडी शेप चेंज हो गया, कैटरपिलर
उसका फिर से शेप चेंज होके बनता है प्यूपा। प्यूपा से बाद में बनता है अडल्ट बटरफ्लाई। किसका स्ट्रक्चर है ये, आपने ये इससे पहले भी देखा है, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अडल्ट बटरफ्लाई। तो यहाँ पे हर स्टेज दूसरे स्टेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। हर स्टेज कैसे है, दूसरे स्टेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। द डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज वॉट, मेटामॉर्फोसिस। ह्यूमन बींग्स मेटामॉर्फोसिस करते हैं क्या, नहीं करते है। ये कौन करता है, बटरफ्लाइज करते हैं, इसके बाद में फ्रॉग्स करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मीन्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सम ड्रास्टिक चेंजेस, ड्रास्टिक मीन्स एकदम पहले कंडीशन से डिफरेंट या अपोजिट चेंजेस टेक्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। ओके, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वॉट, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या किया, जो प्रोसेस थी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, वो प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। उसके बाद में ह्यूमन बींग में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसी होती है, वो प्रोसेस हमने देखी। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा, वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ विवीपरस एंड ओवीपरस एनिमल्स, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये पॉइंट हमने सीखे। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक होता है खत्म, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस क्ला का 9th चैप्टर हम देख रहे हैं। व्हाट इज इट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसका पहला पार्ट जो है हमने देखा है, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट वी हैव डिस्कस्ड। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं अभी। इट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, इट मीन्स वॉट, दे डू नॉट नीड टू पेरेंट्स फॉर रिप्रोडक्शन, मीन्स ओनली वन पेरेंट इज नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन, देन दे आर परफॉर्मिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट वी हैव नोन। अभी हम देखेंगे इसकी मेथड्स क्या है। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स कौन सी है, कुछ मेथड्स हम देखने वाले। सबसे पहली, सबसे सिंपल मेथड है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी होगी, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक सेल से बना हुआ होता है। अगर एक ही सेल है तो कहाँ पे उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, कहाँ पे मेल फीमेल सेपरेट होंगे, तो ये सारी चीज़ें उनकी नहीं होंगी उनके पास। तो ये जो एनिमल्स हैं, ये बाइनरी फ्यूजन के मेथड से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फ्यूजन के वजह से। तो देखो ये प्रोसेस कैसी होती है, मैं डायग्राम के जरिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले ये आपका अमीबा है। ओके, सपोज अमीबा एक सेल से बना हुआ होता है, ये है उसका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये उसका सेल मेम्ब्रेन है अमीबा का। इसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म और अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ये जो है वो है न्यूक्लियस। ओके, तो सबसे पहली स्टेज जो है इसके रिप्रोडक्शन में, तो सबसे पहले क्या होता है, एक सिंगल अमीबा जो है, ये सिंगल अमीबा का डिवीजन होता है दो, जो इसका न्यूक्लियस जो है सबसे अंदर प्रेजेंट, वो पहले डिवाइड होता है दो पार्ट में। तब तक बाहर का पोर्शन जो है वो एज इट इज रहेगा। जो इसका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इलोंगेट होता है, इलोंगेट होके फिर इसका क्या होता है, जो इलोंगेट होने के बाद में ये बीच में से ब्रेक होके क्या बनता है, इससे आपको दो अलग अलग न्यूक्लियस मिलेंगे। ओके, तो ये है पहली स्टेज, कौन सी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज द फर्स्ट स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन
इन अमीबा, दैट इज बाइनरी फ्यूजन. ओके, उसके बाद में ये जो है इसके अराउंड, हर न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म जो है वो स्प्रेड होता है, और बीच में से ये कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक होने लगता है. ओके, ठीक है, ये बीच में से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या होगा, ब्रेक होगा, और बाद में ये भी पार्ट जो है इसका, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों साइड से एक दूसरे को अटैच होगा, और फाइनली इससे क्या बनेंगे, दो सेल्स बनेंगे सेपरेट. ओके, इन्हें बोला जाता है डॉटर अमीबा. उसका प्रोनाउंसिएशन प्लूरल करोगे तो वो बनता है अमीबी, डॉटर्स बने, दो बने. फिर ये दोनों की इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो जाएंगी, मैच्योर बनेंगे, रिप्रोडक्शन करने के लायक बनेंगे, फिर से इसका क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा. ओके, ये जो मेथड है रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन इन व्हाट, अमीबा. ओके, तो ये जो मेथड है इसे बोला जाता है बाइनरी फ्यूजन. एक सेल है, पहले सेल मेम्ब्रेन, उसका जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट हुआ, उसका डिवीजन हुआ दो न्यूक्लियस में, उसके बाद में दोनों के अराउंड उसमें दो साइटोप्लाज्म, एक सेल के साइटोप्लाज्म का दो पार्ट में डिवीजन हुआ, बीच में से उसके पार्ट जो है वो सेपरेट हो गए, और दो डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो गए, डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हो गए. ठीक है, एक का डिवीजन हुआ दो में. हमारी बॉडी में भी एक सेल से दूसरी सेल प्रोड्यूस होने की मेथड सेम है, बाइनरी फ्यूजन से ही एक सेल का डिवीजन होकर दो सेल्स क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. इतने सिंपल तरीके से रिप्रोड्यूस करता है अमीबा. ठीक है, द मेथड इज कॉल्ड एज बाइनरी फ्यूजन, द मेथड इज कॉल्ड एज बाइनरी फ्यूजन. ओके, इसके बाद में सेकेंड जो मेथड है दैट इज हम देखेंगे वो है बर्डिंग. जो सेकेंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है इट इज कॉल्ड एज बर्डिंग. बर्डिंग होता है थोड़ा सा अभी जिसमें यूनिसेलुलर से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है, मतलब मल्टी सेलुलर, लेकिन फिर भी इट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गन्स. जैसे एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे हम, ये देखो, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रा. इसको ऊपर टेंटेकल जैसे पार्ट होता है और नीचे है इसकी बॉडी, इसे बोलते हैं हाइड्रा. बर्डिंग की प्रोसेस में क्या होता है, ये हाइड्रा के बॉडी को, अभी ये ना रिपीट बनाना मेरे बहुत जान पे आएगा पता है, क्योंकि मेरी डायग्राम स्किल आपको पता है ना, ये बॉडी हाइड्रा है. ये हाइड्रा को किसी भी बॉडी पार्ट को एक छोटा सा बर्ड आता है. ओके, ये आया छोटा सा बर्ड, ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो होने लगता है. ये बर्ड जो है ये होगा धीरे धीरे बड़ा, अभी ये और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. ओके, और थोड़ा बड़ा होगा, फिर इसको, इसके मेन जो पेरेंट है इसके जैसे इसको क्या आएंगे, ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, और इसको टेंटेकल्स भी आएंगे, इसको भी टेंटेकल्स प्रेजेंट है. ओके, और जब इसकी पूरी ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ होने के बाद में ये क्या होता है, अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है, और दूसरा अमीबा ने हाइड्रा जो है वो अपनी जगह पे क्या होने लगता है, ग्रो होने लगता है. ये जो प्रोसेस है द प्रोसेस इज कॉल्ड एज बर्डिंग. क्या हुआ, हाइड्रा को पहले छोटा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आया, उसकी डेवलपमेंट होकर दूसरा हाइड्रा यहाँ पे इसको बाजू में लगा, ग्रोथ हुई उसकी पूरी. जब वो पूरा मैच्योर हो जाएगा तो वो क्या होता है, पेरेंट्स से सेपरेट होता है और सेपरेटली इंडिविजुअली ग्रो करना स्टार्ट करता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज बर्डिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, बर्डिंग. तो ये दो मेथड्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कौन कौन से, एक है बाइनरी फ्यूजन और दूसरे मेथड है बर्डिंग. ठीक है, यहाँ पे हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट फिनिश होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हमने पहले ही फिनिश किया था, इसका मतलब जो 9th लेसन है, कौन सा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये लेसन यहाँ पे होता है फिनिश. ठीक है, अभी बस एक पिक्चर देख लेते हैं, स्टोरी ऑफ डॉली. ये डॉली है, डॉली ये एक क्लोन है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोन, क्लोन मीन्स द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल. आप क्या करते हो, ये जो है डॉली एनिमल है, ये मैमल कैटेगरी में आता है, लेकिन डॉली मतलब दिस इज ए काइंड ऑफ शिप, हाँ, नॉट डॉली. डॉली इज ए शिप, इट मीन्स इट इज मैमल. नेचुरली इसकी जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की वो होती है बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस. अभी इसका क्लोनिंग किया गया, क्लोनिंग के प्रोसेस में क्या किया जाता है, इसके बॉडी में से कोई भी एक सेल लेके उसका एग्जैक्ट क्लोन बनाया जाता है. क्लोन मतलब एग्जैक्ट कॉपी,
है ना, और वो एग्जैक्ट कॉपी बनाने के बाद में फिर से उसको एक सिंगल कॉपी निकाल के उसका डेवलपमेंट करके उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या होता है प्रोड्यूस किया जाता है एक ही पेरेंट से। इसे क्या बोला जाता है, द मेथड इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। ओके, द मेथड इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। इन दिस प्रोसेस सी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ए सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम मेमरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल फिन डॉर्सेट शिप। ये फिन डॉर्सेट ये क्या है, एक स्पीसीज है शिप की, उसके मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स मतलब जो ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ओके वो ग्लैंड से इसका एक क्या लिया, सेल कलेक्ट किया। साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑब्टेंड फ्रॉम द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग। अभी देखो, इसका एक सेल लिया, दूसरा जो है, दूसरी जो सेल है आपकी, उसका कौन सा सेल लिया, इन्होंने एक सेल लिया, एक सेल, वो एक सेल में से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग एंड देन द न्यूक्लियस ऑफ मेमरी ग्लैंड, द न्यूक्लियस ऑफ मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शिप वॉज इंसर्टेड इन टू द न्यूक्लियस ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव हुज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव्ड। द एग दस प्रोड्यूस फ्रॉम इम्प्लांटेड इन टू द स्कॉटिश ब्लैक फायर ईव डेवलप्ड ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न। देखो तो अभी यहाँ पे इसका एक सेल क्यों लिया, सिर्फ ब्लैक फेस यू का, सिर्फ किसके लिए, कि रिप्रोडक्शन करने के लिए आपको एक सेल चाहिए ना, एक सेल में से न्यूक्लियस रिमूव किया और इस सेल का जो न्यूक्लियस था मेमोरी ग्लैंड का न्यूक्लियस उसमें इन्फ्यूज किया, तो जो नया उसकी फिर एक सेल की ग्रोथ करके उससे क्या किया गया, फिर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया गया। इसमें ये जो प्रोसेस है इसमें एग्जैक्टली ये जो पहली शिप थी उसके जैसा दूसरा सेम एनिमल यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। बाल का सेल का भी डिफरेंस दोनों में नहीं होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है। द मेथड इज कॉल्ड एज क्लोनिंग, द मेथड इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। और ये प्रोसेस में क्या होता है, देखो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में आएगी। कौन सी मेथड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही एनिमल क्या किया आपने, इस्तेमाल किया, दूसरे का जो सेल है वो सेक्स गमिट्स आपने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इन एनिमल्स, ठीक है। अभी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमने सुने हैं कि जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में भी मतलब इस मेथड से पॉसिबल है। कौन से मेथड से, क्लोनिंग के मेथड से। साइंस फिक्शन में इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें हम पढ़ने को हमें मिलती है, हो सकता है कहीं पे किया भी गया हो एनिमल जो है मतलब क्लोनिंग के मेथड से ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जांच मतलब करते थे पहले, लेकिन बाद में उसके ऊपर क्या आया, इसको इलीगल ठहराया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये प्रोसेस हम कर सकते हैं, ओके। तो ये थी क्लोनिंग डॉली की जानकारी, यहाँ पे ये लेसन होता है फिनिश, ठीक है, बाय।